नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी किचन। आज मैं आंध्रा स्टाइल लेमन राइस कैसे बनाते हैं दिखाने जा रही हूँ। ये बहुत अलग तरीके से बनता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। इसके लिए मैंने चावल लिया है और 2 हरी मिर्च लिया है और थोड़ा धनिया पत्ता और सरसों, उड़द दाल और थोड़ा सा चना दाल। यहाँ पर थोड़ा मूंगफली लिया है, कड़ी पत्ता और लेमन। यहाँ मैंने कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद 3 से 4 स्पून तेल डाल दिया है। अभी तेल गर्म होने के बाद हमने जो यहाँ सरसों, उड़द दाल और थोड़ा चना दाल जो रखा हुआ था हम लोग उसको डाल लेंगे। ये हल्का सा फ्राई करना है इसको। ये देखिए जब ये साउंड आ जाएगा मस्टर्ड फूटने का। अभी मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। फ्लेम लो रख लीजिएगा जब हरी मिर्च डाल रहे हैं। उसके बाद इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। अभी कड़ी पत्ता हो गया है। अभी मैं इसमें मूंगफली डाल रही हूँ। इसमें मूंगफली बहुत अच्छा लगता है तो मूंगफली को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे हम लोग। मूंगफली अच्छा फ्राई हो गया तो इसका क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा लगता है चावल में। अभी मैं इसमें अनियन डाल रही हूँ। देखिए अनियन को भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। ऊपर मैं हल्दी डाल रही हूँ और ये अनियंस अच्छा सा फ्राई होना है तभी ये टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए हमारा मिक्सचर ये अच्छा सा फ्राई हो गया है, तेल निकल रहा है साइड से। इसको हम लोग गैस ऑफ करके ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद ही हम लोग इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए अभी ये मिक्सचर पूरा ठंडा हो गया है, एकदम ठंडा हो गया है। अभी हम लोग चावल मिक्स कर लेंगे। मेरे पास बासी चावल था उसको लिया है। ये गरम गरम नहीं रहना है, ठंडा करके बाद में आपको मिक्स करना पड़ेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। अब चावल बनाने के टाइम में भी आप नमक डाल सकते हो, थोड़ा टेस्टी बनता है। अभी लेमन जूस डाल रही हूँ। हाथ में अच्छा सा मिक्स कर लीजिएगा। ये लेमन राइस में लेमन जब आप ठंडा चावल और ठंडा मसाले में जब डालते हो उसका अलग टेस्ट आता है और अब जब गरम में डाल के उसको फ्राई करते हो वो अलग टेस्ट आता है। इसमें आप चाहिए तो वेजिटेबल भी डाल सकते हो, कैप्सिकम डाल सकते हो, पर मैंने अभी कुछ नहीं डाला है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए हमारा लेमन राइस बिल्कुल ही रेडी है। ये देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। आइए सर्व कर लेते हैं।